नशा। जो एक बार इस जाल में फंसा उसका बाहर निकलना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। भारत में करीब 6 करोड़ से अधिक लोग नशे के दुष्चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। समाज के स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में शुरू किया गया। इस अभियान के प्रथम चरण में भारत के कुल 766 जिलों में से 272 को सबसे प्रभावित जिलों के रूप में पहचाना गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश में इस अभियान को जन आंदोलन में तब्दील करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाई और जन जन को साथ लेकर शुरू हुई इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जंग। नशा नाश की जड़ है। शराब हो या और कोई नशा हो, वो मनुष्य को बर्बाद करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि नशे के खिलाफ केवल सरकार नहीं, समाज भी मिलकर अभियान चलाएं। सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग की अगुवाई में समस्त विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, समाज सेवी और धर्म गुरुओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई। सर्वे के बाद प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हर घर हर परिवार तक पहुंचने के लिए कई गतिविधियां की गई। भावी पीढ़ी को नशे से दूर रखना इस अभियान का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ा गया। गणमान्य लोगों ने नशे के आदि लोगों को नशा छोड़ने और नशे से दूर रहने की समझाइश दी। सभी समितियों और अभियान में योगदान देने वालों ने नशा करने वालों से शपथ पत्र भी भरवाए। इस अभियान में उन्हें भी नशा मुक्ति मित्र बनाया गया जो कभी इस लत के शिकार थे। मैं बाहर जाके लोगों को संदेश देता हूँ कि वो नशा छोड़ दें, जैसे कि मैंने नशा छोड़ दिया तो मतलब वो क्यों नहीं छोड़ सकते। नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए न सिर्फ नशा करने वालों को जागरूक किया गया, बल्कि इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया कि ये जहर किसी के हाथ लगने ही न पाए। लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम ही है कि देश भर में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। नशा मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य नशे जैसी बीमारी से दूर रखकर प्रदेश के हर नागरिक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, ताकि देश और प्रदेश का भविष्य सशक्त बन सके। नशा मुक्त मध्य प्रदेश। तो आइए जुड़े नशा मुक्त अभियान से और बनाए नशा मुक्त मध्य प्रदेश। जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें।